इस वक्त में मैं पहुंचा हूं टाइगर हिल के पास, टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को और इसके साथ साथ घुसपैठियों को भारतीय सेना ने जवाब दिया था साल 2019 में, यानी कि ठीक 25 साल पहले। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पीछे ठीक टाइगर हिल जो है वो देख सकते हैं, जो तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जिस तरह से टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पर जिस तरह से तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हर कवच को भेद दिया था 4 जुलाई 1999 को, जब सूरज उग रहा था तो इधर भारतीय सेना के टाइगर्स ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया था। और यह वो पल था जब पाकिस्तान के धोखे को करारा जवाब मिला था और खतरनाक जंग में कई भारतीय जो जवान जो है वो भी अपने जो सुप्रीम जो कहा जा सकता है शहादत दिए थे। लेकिन इस मामले में पूरे ऑपरेशंस में पाकिस्तान को अच्छा खासा जवाब दिया गया था। देश करगिल दिवस का जिस तरह से सिल्वर जो भी मना रहा है, यानी कि 25 साल पूरे कर रहे हैं, और जिस तरह से अगर बात करें तो 4 जुलाई साल 2099 में भारतीय सेना के बाघों ने टाइगर हिल पर जिस तरह से पाकिस्तानियों से मुक्त कराया था, तो उसको आज फिर से हम याद कर रहे हैं। जिस तरह से 14 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल हुई थी, और इस मामले में उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस मामले पे विजय दिवस की उस वक्त में घोषणा किया था। और अगर बात करें टाइगर हिल के साथ साथ दूसरे टॉप की अगर बात करें, ठीक पास में बत्रा टॉप है, और इसके साथ साथ अन्य जो चोटी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों ने यहाँ पे कब्जा किया था, उसकी जो सबसे पहली मंशा थी, ठीक यहाँ नीचे यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि नीचे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1D जिसे के नाम से पुकारा जाता है, 1D पर सबसे पहला कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर इस नेशनल हाईवे 1D पर अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो भारत को इस टाइगर हिल के इलाके से काटा जा सकता है, और तकरीबन 25 किलोमीटर का जो फासला है उस पर कब्जा किया जा सकता है। तो 25 किलोमीटर का फासला अपने आप में बहुत बड़ा फासला होता है, और पाकिस्तान की ही चाल थी। लेकिन इस मामले की जानकारी जब भारतीय सेना के जवानों को लगी, उसके बाद इस मामले पर ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया गया, और जिस तरह से भारतीय जवान के साथ साथ जो बोफोर्स की जो गूंजे थी इस पूरे इलाके में गूंज रही थी, और बोफोर्स की तोपों का जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को दिया गया था और इसी इलाके में। और हालांकि आप देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आबादी यहाँ पे नजर आ रही है, काफी यहाँ पे घर जो है वो नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ सेना के जो तमाम जो ऑफिसर्स जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिस तरह से सेना के जवान होते थे, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं होती थी, लेकिन एक तरफ भारतीय उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन भारत को मिली थी जिस तरह से भारत के सीने पे एक तरह से कहा जा सकता है कि पीठ पीछे उनके चाकू घोपा गया था। दोस्ती का जो रिश्ता है, जो भारत में शांति और दोस्ती का एक रिश्ता भारत दिखाना चाहता था और पाकिस्तान के साथ यानी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में वो कायम करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर एक कहीं कहीं वो चाकू घोपने का काम किया था, और भारत मिठाइयां और तमाम अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। तो दूसरी तरफ उस वक्त में परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में इसी कारगिल हिल और इसके साथ साथ आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की एक कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवानों ने दिया। और 25 साल के बाद जब आज हम विजय दिवस के तौर पर रजत जयंती के तौर पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय आन बान और शान को और बेहद मजबूती से यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं, और कहा जा सकता है कि देश के अन्य जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी आप किस तरह से भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी है इन तमाम मसलों पर, और फिर से चर्चा शुरू हो गई है।